वो रात 22 सबा 1980 की बात है। भारत नगर की एक चौल जिसकी मालकिन का नाम था शारदा बेन, जो कि स्वभाव की बहुत ही हसमुख थी। तो ये कहानी है उसी चौल में रहने वाली एक लड़की आरती की। शारदा बेन की ये चौल में पानी हमेशा रात के 3:30 बजे आता था। आरती की माँ उसे रोज पानी भरने भेजती थी। शारदा बेन को आरती बहुत पसंद थी, इसीलिए वो उसकी पानी भरने में भी मदद करती थी। एक दिन शारदा बेन और उसके पति का अचानक सूरत जाना होता है और ये बात आरती को पता नहीं रहती है। अगली रात हर रोज की तरह आरती पानी भरने जाती है और वहाँ उसको शारदा बेन दिखती है। पर यह अजीब बात होती है कि शारदा बेन आरती को देख कर ना हंसती है ना कुछ कहती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसा लगभग आरती के साथ 2 हफ्ते तक होता है। 2 हफ्ते बाद शारदा बेन का पति सूरत से लौट आते हैं। आरती शारदा बेन के पति को देखकर उनसे बात करती है कि शारदा बेन को क्या हुआ है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। तभी उनके पति आरती को बहुत ही घबराहट से देखते हैं और बताते हैं कि शारदा बेन का तो सूरत में ही देहांत हो गया है और इस बात को लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। आरती के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उस रात आरती को शारदा बेन फिर दिखती है और इस बार उनके चेहरे पे एक अजीब सी हंसी होती है, जिसे देख आरती बेहोश हो जाती है। अगली दिन से आरती पानी भरना ही छोड़ देती है और आरती की जगह उसकी माँ पानी भरने जाया करती है।